वी आर वन डे क्लोजर टू आवर ड्रीम टू गेट इनटू एनआईडी, है कि नहीं? या फिर आपके साथ उल्टा हो रहा है, अरे यार एक दिन और कम हो गया एनआईडी एग्जाम के लिए, इतनी जल्दी क्यों दिन पार हो रहे हैं? आप कौन से सिचुएशन में हो इन दोनों में से? जो भी सिचुएशन में हो, आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग प्रिपेयरिंग दिस वे विद टारगेट्स टू अचीव एंड क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज आस्क्ड एवरी ईयर इन बैचलर्स एनआईडी एंट्रेंस एंड ऑलमोस्ट इन ऑल दी स्ट्रीम्स, स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी राइटिंग सुनते ही हमारे दिमाग में आता है लिटरेचर और कहानी, जो क्रिस्टोफर नोलन सुनते ही प्रोड्यूस करने को रेडी हो जाए। लेकिन डिजाइन एग्जाम्स में स्टोरी इज एन अपॉर्चुनिटी टू चेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। पहले तो स्टोरी राइटिंग के क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही ब्रीफ में स्टोरी लिखने को आते हैं, लाइक स्टोरी इन 50 वर्ड और 3 सेंटेंसेस। सिर्फ एनिमेशन और फिल्म एंड वीडियो स्ट्रीम जो मास्टर्स में है उसमें स्टोरी आते हैं इन लॉन्गर फॉर्मेट, वो भी 250 वर्ड से ज्यादा नहीं। कौन बैठ के इतना ज्यादा पढ़ेगा यार? एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। यू आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी बाय यूजिंग दीज 3 वर्ड्स, कॉबलर, फुटबॉल एंड फुटपाथ। द कंडीशन हियर इज दैट यू हैव टू राइट द स्टोरी इन 3 सेंटेंसेस ओनली। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? पॉज करो भाई वीडियो, सोचो। वन प्रोबेबल सॉल्यूशन इज अ चाइल्ड क्राइज, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, द कॉबलर ऑन द फुटपाथ रिपेयर्स द चाइल्ड्स फुटबॉल, एंड द थर्ड सेंटेंस, द चाइल्ड स्माइल्स। नाउ ऑब्जर्व हाउ प्रॉब्लम ऑफ अ क्राइंग चाइल्ड वाज सॉल्व्ड बाय द कॉबलर। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू आंसर अ क्वेश्चन इन स्टोरी राइटिंग। इतना ही सिंपल रखना है इसको। डू नॉट राइट एन ओपन एंडेड एंड वेग स्टोरी। डू नॉट मेंशन एन इंसिडेंट विद नो एंडिंग। Use story as an opportunity to show your problem solving ability. That's how you fetch marks in this question. We have also discussed about story writing in a video earlier. Please watch this video as well. Next इसी में आता है story board draw करने को। अब मैं आपको इस वीडियो में ये तो नहीं बता सकता कि story board कैसे बनाते हैं, उस पर आपको infinite videos मिल जाएंगे YouTube पे। But I can tell you what to avoid and how to score more in storyboards. See, we create storyboard to communicate story to the director and the production team so that they can visualize it. So the question is how can we make them visualize it easily? अच्छी ड्राइंग करके, ठीक है वो तो है ही, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायनामिक कॉम्पोजिशन बना के, मतलब यूजिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड कैमरा एंगल्स टू शो थिंग्स। और दूसरा है शोइंग ओनली की इंसिडेंट्स इन द स्टोरी इन द फ्रेम्स। ड्राइंग अच्छी है लेकिन कॉम्पोजिशन स्टेज लगेंगे तो बोरिंग स्टोरी बोर्ड बनती है। स्टेज मतलब कैरेक्टर्स इन द स्टोरी शुड इन्वॉल्व इन द स्टोरी, ना कि सारे कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना दिया और सबके सब कैमरा की तरफ ही देख रहे हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व स्टोरी बोर्ड्स ऑन पिंटरेस्ट एंड सी हाउ स्टोरी बोर्ड्स फॉर सम एनिमेटेड मूवीज एंड एक्शन फिल्म्स आर क्रिएटेड। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज पॉइंट्स इन योर स्टोरी बोर्ड एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर वर्क नेक्स्ट टाइम। That's it in this video. Let me know in the comment section, are these videos, study topics and questions helping in some way? You can download the topics for the day from the description below. See you tomorrow with a new topic. Thank you.